हेलो गाइस, तो आज जो सीरीज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है प्रोवोक, एपिसोड नंबर 8। एपिसोड 8 की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है दो जिन जोंग जो है रेडी हो जाता है बाहर जाने के लिए ताकि वो वेलकम कर सके अपनी ब्राइड का। लेकिन अनएक्सपेक्टेडली सेक्रेटरी लू वहाँ पर सडनली आ जाते हैं उसके डोर पर एक लेटर के साथ। दिखाया जाता है जैसे ही दो जिन चौंग जो होते हैं वो उस लेटर को पढ़ते हैं वो इमिडिएटली उससे डील करने के लिए कहीं चले जाते हैं। दिखाया जाता है क्वीन जो होती है वो सोचती है अब जियांगिंग जो है वो दो फैमिली में एंटर नहीं कर पाएगी, लेकिन दो जिन चौंग जो होता है वो जाने से पहले दो जनियों को कह के जाता है कि वो जो है वो ब्राइड को लेके आएगा और उसका वेलकम करेगा, और जो क्वीन होगी वो इंचार्ज होगी टी सेरेमनी की। जियांगिंग जो होती है वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज नज़र आती है जब वो दो जनियों को देखती है बजाय दो जिन चौंग के, जिसे वहाँ पर पहुँचना होता है। दो जनियों जो होता है वो उसकी तरफ झुकता है और उसके कानों में कहता है कि तुम्हारा स्वागत है नर्क में। वहीं दिखाया जाता है कि त्यांग सिटी की जो सिस्टर्स होती हैं जब वो दो जनियों को वेलकम करते हुए देखती हैं जियांगिंग को, तो बोल पड़ती हैं ये दोनों कितने अच्छे कपल नज़र आ रहे हैं। तभी वहाँ पर जो सिस्टर लैन होती हैं जो कि एल्डर होती हैं तांग सिटी की, वो क्विकली उन्हें चुप करा देती है और उन्हें वार्निंग देती हैं कि वो केयरफुल रहें कि वो क्या कह रही हैं। दिखाया जाता है जियांगिंग जो होती है वो वॉक करती है दू के घर में हाथों में हाथ डाल के दू जनियों के, इस तरह से जैसे कि वो अपने घर वापस आ रही हो ना कि किसी नर्क में। दिखाया जाता है जिंग जियांग को अकेले सीढ़ियों से ऊपर जाता हुआ देखकर दू जनियों जो होता है वो अटेंटिवली उसके वेडिंग ड्रेस को पुल करता है और उसे एडवाइस करता है कि वो उसे पकड़े और केयरफुली वॉक करे क्योंकि आज उसके लिए बहुत बड़ा दिन है। दिखाया जाता है ओबिडेंटली जियांगिंग जो होती है वो दो जनियों का आर्म पकड़ लेती है बहुत ही फर्मली और वो कहती है कि वो अपना हर एक कदम बहुत मजबूती से रखती है और वो दो जनियों से कहती है कि वो ठोकर नहीं खाएगी अपने किसी भी स्टेप पे। दिखाया जाता है कि क्वीन जो होती है वो टी सेरेमनी के दौरान जियांगिंग के लिए इंटेंशनली बहुत सारी चीज़ें डिफ़िकल्ट बनाती है। पहले तो वो जियांगिंग और दो जनियों को हिंट करती है कि वो दोनों बहुत ही परफेक्ट मैच लग रहे हैं। उसके बाद दो जनियों जो होता है वो क्वीन को वार्निंग देता है कि वो दोबारा घर में कहीं आग ना लगा दे, तो क्वीन जो है अपनी टोन को चेंज कर लेती है और वो गरम गरम चाय जो जियांगिंग के हाथ में होती है उसे लेती है और उसकी तरफ फेंक देती है। दो जनियों जो होता है वो डेंजर आते हुए देख के इमिडिएटली चाय के कप को पकड़ लेता है, जिसकी वजह से उसका हाथ जो होता है वो जल जाता है गरम गरम चाय से, और क्वीन जो होती है वो क्विकली एक्सक्यूज़ बनाती है और उस कमरे को छोड़ के चली जाती है। वैसे ही कमरे का सीन दिखाया जाता है, दो जनियों जो होता है अपने जले हुए जख्मों की तरफ देखते हुए सोचता है कि आखिर क्या इम्पॉर्टेंट ज़रूरत होगी कि दो जिन जोंग जो है वो आज के दिन चला गया। दिखाया जाता है तभी जियांगिंग जो होती है वो दो जनियों के डोर पे नॉक करती है जिसके हाथ में बाउल होता है जिसमें एलोवेरा होता है, और उसे कहती है कि इसे अप्लाई करे ताकि इससे उसके जख्मों में जले हुए जख्मों पे राहत मिलेगी। दिखाया जाता है कि दो जनियों को याद आती है कि दो फैमिली का जो लेआउट मैप था उसने जियांगिंग को दिया था, लेकिन उस मैप में कहीं भी नहीं इंडिकेट कर रखा था कि एलोवेरा कहाँ पर है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस नज़र आता है। और एडिशनली ये दिखाया जाता है कि जियांगिंग जो होती है वो एलोवेरा के प्रति एलर्जिक होती है, जिसकी वजह से उसे याद आती है इस घर की ओरिजिनल ओनर की, जिसका नाम सुसु होता है, जो कि एलोवेरा के प्रति एलर्जिक थी। दिखाया जाता है कि जब वो यंग थे तो सुसु ने एक्सीडेंटली अपने भाई जिंगजी को जला दिया था, जिसकी वजह से वो खुद एलर्जिक होने की वजह से भी एलोवेरा को लेके आती है और डेलिब्रेटली उसको जियांगिंग के हाथों पे अप्लाई करती है। लेकिन दो जनियों सोचता है ये एक कोइंसिडेंस हो सकता है,
वहीं दूसरी तरफ क्वीन जो होती है वो सोचती है कि लास्ट टाइम जियांगिंग और दू जनयू बहुत ही सिंक्रोनाइज थे, जिसकी वजह से वो उनके ऊपर शक करती है कि वो एक दूसरे को काफ़ी लंबे समय से जानते हैं, और वो उनके पीछे असाइन करती है लाओ वू को, जो कि उनको क्लोजली मॉनिटर करेगा। दिखाया जाता है दू जनयू जो होता है वो जियांगिंग को एक बंद कमरे में ले जाता है कि जियांगिंग जो होती है वो खुद को वहाँ खड़े हुए देखती है जब वो छोटी थी, जब उसे जिंगसी छोड़ के जा रहा था तो उसने उससे प्रॉमिस किया था और उसे एक डियर दिया था, जो उन्होंने वादा किया था कि जब वो वापस दोबारा मिलेंगे तो वो एक दूसरे को उसे दिखाएंगे। दिखाया जाता है लाओ जो होता है वो सीक्रेटली दू जनयू और जियांगिंग को एक साइड से देख रहा होता है, जिसे दू जनयू जो होता है वो पकड़ लेता है और उसे कहता है कि जाके जियांगिंग का लगेज लेके आए। इसी के साथ एपिसोड 8 की समाप्ति होती है।